हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लगभग एक महीने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे डॉगी, एक मिनट सॉरी दे दे। तो एक्चुअली इसमें क्या है, माउंट पड़ा हुआ था ये वाला, इससे हेल्प हो जाती है। टाइम आप देख रहे हो लगभग 3 जो है वो बजी गए हैं। अभी तो क्या है कि गर्मी है ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। हमारा जो सीक्रेट ट्रेवल पार्टनर है वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो जी अभी रिफ्यूल के लिए रुक गए हैं, पेट्रोल डलवा लेंगे। हालांकि ये शायद घर से होके वापस आ भी जाए, बट चलो डलवा लेते हैं, अभी फुल नहीं करवाएंगे। और फिर उसके बाद खाना खाने के लिए भी तो रुकना है। भूख तो क्या है कि हमें लगी हुई थी, लेकिन हमसे ना अभी किसी ढाबा ढूंढने का सबर नहीं हो रहा था। तो फिर ये आते जाते हम यहाँ भी खाते रहते थे, तो अभी ये यहाँ से खा लेंगे। और आज का प्लस पता क्या है, आज मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, मुझे किसी भी चीज़ का कुछ भी पे नहीं करना है। देखो, क्योंकि आप अपने साथ सवारी इसलिए लेते हो ताकि आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो शेयर हो जाए। तो अभी मैंने पेट्रोल अपने पैसों से डलवा दिया है, अब इसके बाद खाने पीने का जो और भी कोई भी पानी शानी कुछ भी होगा, मैं किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं खर्चूंगा। डन, सही वाला, ठीक है, आपने देख लिया, डन हो गया। मैंने आपको बताया ना कि आज फ्री का खाना मिल रहा है, इट्स कुल्फी टाइम। दो खोए वाली कुल्फी खाएंगे यहाँ से। फ्री की चीज का तो मजा ही कुछ हो रहा है। आज ना पानी लाना भूल गए, इसलिए एक बॉटल। हाँ, क्या बोला, पानी भी दूसरों के पैसे से? मैं नहीं पीऊंगा ये पानी, अब मुझे मत बोलना पानी पीने के। अब आप सबके सामने बात हो गई है, पानी को टच नहीं करूंगा मैं। दूर कर दो ये पानी। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे। जैसे कि आपको पता ही है ना कि हमारा ये जो जितना भी एरिया है ना, ये सारा जो है रेड अलर्ट पे चल रहा है। उधर उत्तराखंड गया हुआ था ना, तो लगभग 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ ना 4 अटैक हुए थे। तो जो हमारा एरिया है वो भी बॉर्डर के पास ही रहता है, तो फिर मतलब बात सच्ची है नहीं है वो पता नहीं है, बट वहाँ था कि वहाँ भी काफ़ी सारे जो है मिलिटेंट्स शायद हैं, और इसलिए अपना सारा एरिया जो है वो रेड अलर्ट पे ही है। सब्जी लेने के लिए गए हैं बाहर, बड़ा ही टाइम लगा दिया तो। अरे बहुत ज़्यादा सामान आ गया। तो फाइनली अब जा रहे हैं घर की तरफ। मैडम जो साथ आए थे उनको हमने छोड़ दिया है। लगभग 6 जो है वो बज चुके हैं घर पे। ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैंने बताया नहीं है, हालांकि मम्मी काफ़ी दिन से कह रही थी यहाँ घर आ, जैसा कि वो हमेशा ही कहती रहती हैं कि यहाँ पे गर्मी यार, मतलब मैं सोच रहा था गाँव में आया, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए गर्मी, बट देखो हरियाली देखो लेकिन गर्मी में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, फाइनली पहुँच चुके हैं घर पे। सर क्या हाल चाल है आपके? और अब इस चैनल पे भी मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। भाभी कुछ खा के ही पता चलेगा। नहीं मुझे बताओ, आप इतनी देर से साथ में ही थे तो आपने तब भी नहीं वीडियो बनाई? हमारी लड़ाई बहुत हो रही थी तो गुस्सा निकला तेरे ब्लॉग पे। भाभी इस बात पे आप दो शब्द बोलो, इनको बताओ क्या बोलूं। अरे मानिक जी आप भी इधर हो। सही सही जो है परेशानी का आलम है वो है मानिक जी। बेसिकली क्या है, मम्मी अभी बताएंगी, मैं और मम्मी बैठे हम बात कर रहे थे। रखो एक मिनट। तो हमने मानिक की एक रील देखी। पास करो यार, सुनना गाइस, मैंने सिंपल रील डाली है यार। ये क्या है, कोई और आएगा मतलब का जमाना यार। बस फोन चला गया तेरी जिंदगी से भाई। ओ यार मैंने ऐसे ही बताया यार, क्या परेशानी है तेरी? भाई को भाई को बताना यार। कोई नहीं, ऑफ कैमरा गाइस, ऑफ कैमरा। तो जी अभी क्या है कि बैठे हुए थे तो ये सब लोग कहने लगे हमारे ना पास नीचे कुआं है तो उसको साफ करवा रहे हैं, कुआं देखने जाना है कि कितना काम उस पे हुआ है। तो सब लोग जा रहे हैं तो मानिक जी भी साथ में है। और यहाँ लगी आग है ना, ये देखो जंगलों की आग, तो चलो किसी वजह से लगी हो, ये गांव के लोग अपना खुद आग लगा के और 3 दिन से फिर बुझा ही रहे हो। अरे सारा ही जला दिया गया, टैंकर बुलाना पड़ेगा। सारा ही जल गया क्या? अच्छा उधर भी है। 4-5 साल से इसको आग नहीं लगी थी और यहाँ पे इतना इतना घास जम गया था। और हमारा कुआं देखो कितना दूर है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ तक भी पहुँच गई आग। अरे इसमें तो पानी है ही नहीं, तो ये पूरा साफ किया। ऐसे मिट्टी हो गई थी क्या? मिट्टी हो गई सारी, ये पूरी मिट्टी। अच्छा ये, अच्छा ये मिट्टी इसमें से निकली है? जिले ने फट्टे रखे ने साइडें पर, उनने फट्टे ने सुराख को बंद नहीं किए थे। अच्छा वो मिट्टी जल्दी है बीच, नहीं तो उधर उधर नहीं जाती। साइड से गिरती हुई रिश्ता कौन पानी। अब साफ हो जाएगा, गर्मी में पानी की बहुत जरूरत रहती है। लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम हमारी गाय ने बेबी दिया ही था। अब देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, पर इसको मेरी पहचान नहीं है ना, ये मेरे पास नहीं आई है। यहाँ ये करो वन पे बनाना। हाँ वन पे ही है। तो ये इसको बांधना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि अगर ये ना हो ना फिर ये भाग जाएगी।
ये बड़ी गाय है और ये उससे उससे बड़ी गाय है। आपको गाय बोल रहा हो चुकी है रात, तो क्या है कि घर जब मैं कभी भी बहुत टाइम बाद आता हूँ तो फिर बैठ के गपशप लगती रहती है, तो बस वही गपशप लग रही थी। तो उम्मीद करते हैं ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स सजेशन के रूप में देते रहिए। सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।